इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। मंदिर के लिए नहीं लड़ना, मस्जिद के लिए नहीं लड़ना, अपने भूखे बच्चों के लिए लड़ना है। आरएसएस के तमाम जो नेता है वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। ऐसी कोई भी सरकार जो हमारे संविधान पर, हमारे अधिकारों पर उंगली उठाने का काम करे, आप अपने वोट की चोट से उनकी वो उंगली तोड़ दीजिए। कि आरएसएस बजरंग दल के अंदर जो है हमारे समाज के युवाओं को प्रवृत्त किया जाता है और छोटे तबके के लोगों को जो है चंदा लेकर आगे किया जाता है। दस से बारह सालों में हमारा संविधान निरंतर खत्म किया जा रहा है। प्रधानमंत्री जी के आर्थिक सलाहकार कहते हैं कि संविधान को बदल देना चाहिए। आरएसएस के जो लोग हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए, संविधान को नया करना चाहिए। और बीजेपी के तमाम जो नेता हैं वो कहते हैं कि संविधान को बदलना चाहिए। इसका मतलब यह हुआ कि आने वाला समय, जो आने वाला चुनाव है, अगर ये भारतीय जनता पार्टी का सरकार बनता है तो निश्चित रूप से मान लीजिए कि आपका संविधान बदल दिया जाएगा। और अखिल भारतीय परिसंघ ही एक ऐसी ताकत है जो संविधान को बचाने से रोक सकता है। कि संविधान भी आपका, खेत भी आपका, खलिहान भी आपका, और संविधान बदलने की प्रक्रिया भी आपका, सरकार भी आपका, न्यायपालिका भी आपका, कार्यपालिका भी आपका, जुडिशियरी भी आपका, सब आप ही का है। इसलिए ये सरकार बदलना चाहता है। साथियों, हम लोग आज प्रण लेंगे कि संविधान को किसी भी कीमत पर बदलने नहीं देंगे, चाहे हमें खून अपना बहाना पड़े। हम लोग खून बहाने के लिए तैयार है, लेकिन किसी भी कीमत पर संविधान को बदलने नहीं देंगे। इसलिए हम लोग हजारों की संख्या में, बिहार से आए हैं। साथियों, अंतिम रूप से मैं यही कहना चाहूंगा कि ये आखिरी और अंतिम समय है संविधान बचाने का। अगर हम लोग संविधान बचाने में नाकाम रहे तो मान लीजिए कि फिर से हम लोग वही गुलामी की जंजीरों में जकड़े पाएंगे। तो आज हम लोग यहां से प्रण लेते हैं कि हम लोग अंतिम सांस तक संविधान को बचाएंगे। कि हरियाणा की ये मौजूदा सरकार यहां तक पहुंची है, मजबूर हुई है चुनावों से पहले कि वो हमारे अधिकारों को हमें दे सके। फिर साथियों, इस रामलीला मैदान में मौजूद आप सबको याद दिलाना चाहूंगी कि ये देश वही देश है जहां मुंशी प्रेमचंद ने ठाकुर का कुआं नाम की कहानी लिखी थी और बताया था कि गंदी को पानी पीने तक का अधिकार नहीं है ठाकुर के कुएं से। अगर ठाकुर के कुएं से हम इन बिस्लरी की बोतलों तक आज पहुंचे हैं तो वो पहुंच संविधान की देन है, परिसंघ की देन है, परिसंघ जैसे मंचों की देन है, इन वैलियों की देन है। संविधान को मत खत्म होने दे। ऐसी कोई भी सरकार जो हमारे संविधान पर, हमारे अधिकारों पर उंगली उठाने का काम करे, आप अपने वोट की चोट से उनकी वो उंगली तोड़ दीजिए। आप खत्म कर दीजिए इन सरकारों को। और खत्म करने का एकमात्र जो आपके पास आपका हथियार है वो आपकी वोट है। अपनी वोट को देख के इस्तेमाल करें, अपने नेता को देख के जो है वो चुनाव करें। डॉक्टर उदित राज आज पूरे देश भर में एकमात्र ऐसे नेता है जो शायद हमारे लिए, हमारे अधिकारों के लिए रात दिन 24 घंटे खड़ा है। परिसंघ के लिए, इस रैली में यहाँ पहुंचने के लिए आप सभी का आभार प्रकट करती हूँ। और मैं ये चाहता हूँ डॉक्टर साहब, आप पूरे हिंदुस्तान को चैलेंज दे दो। इंशाल्लाह पसमंदा समाज आपके साथ खड़ा हुआ मिलेगा। और डॉक्टर साहब, मैं एक बात और कहना चाहता हूं, मेरा पसमंदा समाज लूटा पिटा बैठा हुआ है, ना तो उसकी फाइनेंस की ताकत है, ना उसकी किसी जॉब में है, वो मजदूर और पिछड़ा हुआ है। अगर आपके समाज के पास ताकत है और हम दो समाज मिल गए
तो हिंदुस्तान में अपना प्राइम मिनिस्टर बनाने की ताकत आदित्य राय जी, मैं रामलीला के रोड से बोलता हूँ कि हम आपको प्राइम मिनिस्टर बनाने तलक की ताकत लगाएंगे। भूखे से भूखा आपके साथ रहेंगे, जिस हाल में आप रहोगे उस हाल में हम रहेंगे, मगर हमारे साथ धोखा नहीं होना चाहिए। हम सब जगह लूटे हैं, हमें सभी ने लूटा है, हमने सबका साथ दिया है। मैं अपने समाज की, पसमंदा समाज की लड़ाई हर जगह आपके साथ खड़ा होकर लड़ूंगा। इसी से मैं आज अपनी बात और अपना संविधान बचाने में हर जगह पसमंदा समाज आपके साथ रहेगा, है और रहेगा और ताकत में रहेगा, मगर आपको अपना हिस्सा हिंदू समाज को ले लेना चाहिए। अपना हिस्से के लिए लड़ो, 2024 में मंदिर के लिए नहीं लड़ना, मस्जिद के लिए नहीं लड़ना, अपने भूखे बच्चों के लिए लड़ना है जिन्होंने महंगाई और छोटे समाज को कुचल रखा है, उसके लिए लड़ो। मंदिर मस्जिद कोई नहीं, सबके हैं, मगर हमारे बच्चे जब भूखे होते हैं तो एक कहावत है, ना तो नमाज होती ना पूजा होती। तो हमें इस बात को ध्यान रखना है कि जितनी जगह भी दंगा होता है वहां कोई बड़े समाज का लड़ने वाला नहीं होता, वहां छोटे समाज का लड़ने वाला होता है, बड़े समाज का तो लड्डू खाने वाला होता है। 10-20 बच्चे गरीब समाज के बुलाए उन्होंने और उन्हें लालच दे दिया, रात में उन्होंने पी ली और झगड़ा कर लिया, सुबह बेहोश पड़े हुए। तो भाइयों, हमें इस बात को नहीं देखना, हमें अपनी एकता को, भाईचारे को, और मैं डॉक्टर साहब के साथ पसमंदा समाज हर तरीके से खड़ा हुआ मिलेगा कि डॉक्टर उदित राज साहब जो है एक इस देश के अंदर जो है एक हिमालय की कंदराओं में जिस प्रकार से कोई पलने वाला व्यक्ति होता है, उसी प्रकार से हिमालय की कंदराओं से निकलकर आने वाला व्यक्ति एक डॉक्टर उदित राज साहब है। उनके कंधों को आपको मजबूत करना चाहिए। मैं आप लोगों से कहना चाहता हूं कि आप लोगों को डॉक्टर उदित राज साहब के लिए जो है एक जोरदार नारा लगाना चाहिए और दोनों हाथ ऊपर करके लगाना चाहिए, डॉक्टर उदित राज साहब जिंदाबाद, डॉक्टर उदित राज साहब जिंदाबाद, डॉक्टर उदित राज साहब जिंदाबाद। मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, डॉक्टर उदित राज साहब जो जिनकी जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है, और आप सभी लोगों को यह प्रण लेके जाना चाहिए कि जिस प्रकार से डॉक्टर उदित राज साहब ने कहा है उनके विचारों के ऊपर आप लोगों को खड़ा उतरना चाहिए। इस देश के अंदर हिंदू मुस्लिम को लड़ाया जा रहा है। मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जो है सनातन समय से जब महाराणा प्रताप जी थे उनके सेनापति जो थे हकीम का सूरी थे, और जब अकबर के सेनापति थे तो वहां मान सिंह जी सेनापति थे, तो हिंदू मुस्लिम को किस प्रकार से लड़ाया जा रहा है। जब उस समय से हिंदू मुस्लिम एक था तो आज हिंदू मुस्लिम को कैसे लड़ाया जा रहा है, तो इसके ऊपर आपको विचार करना चाहिए साथियों। और मैं आपसे कहना चाहूंगा कि आरएसएस बजरंग दल के अंदर जो है हमारे समाज के युवाओं को प्रवृत्त किया जाता है और छोटे तबके के लोगों को जो है चंडा लेकर आगे किया जाता है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि मुझे एक व्यक्ति बता दीजिए, राष्ट्रीय लेवल का नेता एक बता दीजिए, संघ का बता दीजिए, बजरंग दल का बता दीजिए कि उनके व्यक्ति जो है उनका एक बेटा जो है संघ का झंडा लेकर चल रहा हो। नहीं चलते हैं साथियों, उनके बेटे झंडे लेकर नहीं चलते हैं, मात्र आपको और हमको लड़ाया जाता है। साथियों, मैं आपसे कहना चाहूंगा कि इस देश को बचाना है, संविधान को बचाना है। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ने किस प्रकार से संविधान का निर्माण, और प्राइम मिनिस्टर का घर घेरेंगे हम लोग, होम मिनिस्टर का घर घेरेंगे, मोदी सरकार मुर्दाबाद। परिवार की जिम्मेदारी निभाएं, लेकिन साथ साथ सामाजिक जिम्मेदारी से भी मुंह ना मोड़े। हम सामाजिक जिम्मेदारी का भी निर्वहन अगर करेंगे तो हम लोगों के लिए भारत के अंदर सम्मान और स्वाभिमान से जीने का अवसर मिलेगा। ये आज मोदी सरकार आपको भगाना चाहती है, तो मोदी सरकार प्राइम मिनिस्टर और होम मिनिस्टर को घेराव करेंगे,
कि आप इन कायरों से लड़ेंगे कि आप खुद कायर बनेंगे। लड़ेंगे, 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 आप लोग मंच पर बैठ जाइए, मोदी सरकार को और दिल्ली के पुलिस को लग गया कि अगर रैली को नहीं चलने दिया तो होम मिनिस्टर का घर घेराव करने के लिए यहां से प्रस्थान करने वाले हैं। इसलिए पुलिस होश में आ गई है, आप लोगों की ताकत की वजह से पुलिस होश में आ गई है। अगर पुलिस ने दोबारा ऐसा किया आप संघर्ष करते रहिए, मैं पीछे रहने वाला नहीं हूँ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।